लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिठी लो। किसकी चिट्ठी है? माँ जी के नाम। अच्छा, माँ जी, माँ जी। क्या है? चिट्ठी है आपके नाम। मेरे नाम जी? अरे ठहर ठहर, वहां रख। निर्मला की लगती है। हाँ, आजकल ये लोग इतने छोटे छोटे हरफ लिखते हैं, पढ़ा भी नहीं जाता। किसकी चिट्ठी है अम्मा? तेरी दीदी की लगती है, ले पढ़ जरा। प्रिय अम्मा, हाँ। यहाँ सब कुशल है, भगवान से आप लोगों की कुल काना करती हूँ। क्या बीच बीच में अक्षर मिट गए हैं ना? कुशल कामना। हाँ, हाँ। आगे आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगले बुधवार यानी अघन पूर्णिमा मासी के दिन आपके नाती चिरंजीव अमित का अनशन होगा। क्या अनशन? इतनी छोटी सी चिट्ठी भी नहीं पढ़ी जाती तुझसे। ये इतना पानी किसने छिड़का है? अनशन ही तो समझ में आता है। अरे अमित का अनप्राशन होगा। हाँ, हमारी इच्छा है कि आप सब लोग इस अवसर में हमारे यहाँ आकर इस शोभा का काम में शामिल हो। शुभ काम में? हाँ। हम चलेंगे ना अम्मा? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तो जाएंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगी, नरेंद्र को भेज देंगे, चला जाएगा बधाई लेकर। वहाँ उसके गांव जाना पड़ेगा। हाँ, एकदम बोरिंग माँ। ओहो, जाना तो पड़ेगा ही, जितना भी बोरिंग हो।
अब शहर में आकर करती ना अन्नप्राशन, सब लोग शामिल होते। हाँ। भाई वहाँ उनके पुरखों का घर है, गांव में नाते रिश्तेदारी है। हाँ। कामकाज तो वहीं से करेंगे। अरे दो दिन की तो बात है, चले जाओ। बाबूजी जाने को तो कुछ नहीं, मगर गांव के रास्ते, वो गंदगी, कीचड़। ए, ये सब क्या है, दिखता नहीं क्या? ठहर तो। क्यों कूदा था? मालूम नहीं कितना गहरा पानी है, कुछ हो जाता तो। दरअसल गलती सचमुच उसकी नहीं थी, हमसे डरकर भागा तो। लेकिन आपने बचाना लिया होता तो। चल। अरे अरे जमना, एक पान हमारे साथ भी खा लो। तू अपना चबा पान। अरे जालिम, का चाल है तेरी, हमार तो दिल ही। गुरु, ये कौन आ रहा, पहचानते हो का? ना, होगा कोई। ये लो। लाओ। सुनिए भाई, प्रताप बाबू का मकान किधर है? बस सीधे जाकर अपने दाहिने मुड़ जाइए, बिल्कुल सामने दिखाई देगा। थैंक यू। चूना, ये लो। आप निर्मला या प्रताप कोई है घर में? हाँ है ना, आप निर्मला बच्चे के भैया हो ना? हाँ। आइए। भाजी, ए भाजी का है, देखो ना तुम्हारे कोई वो आए हैं। अरे भैया। कैसी हो निर्मला? ठीक है भैया, हमारे तो ये भैया हैं। तुम्हारा जी चाहे तो तुम अपना कोई वो बना सकती हो इन्हें। काहे खुद ही मजाक करती हो और अपनी बारी है भौजी। हमने का मजाक किया? नहीं भैया, ये गीले कपड़े कैसे? अरे कुछ नहीं, वो तालाब में भीग गए थे। कैसे, कहाँ हुआ था? अरे भैया नमस्कार। प्रताप कैसे हो? नहीं भैया नहीं, पंडित जी ने कहा कि कल पूर्णमासी उदय तिथि है। हाँ, इसलिए कल का दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, अरे रे, आप क्यों लेंगे? कोई बात नहीं। थैंक यू। आए? मेरा मतलब है धन्यवाद। लो अम्मा, इतनी देर से चंदा चंदा कर रही थी, आ गई तुम्हारी चंदा। आ गई? कहाँ मम्मी? मामी की बच्ची, आज तो हमारे टुंडू को तलैया में डुबोई आई थी ना। नहीं तो? नहीं तो, जिन्होंने हमें बताया गलत बताया था है? बच्चे को साथ लेकर जाती है और ख्याल रखती नहीं बनता, बैठ जाती है अपनी सहेलियों के साथ बदकुचन करने को बस। अरे खुद क्यों नहीं डूब मरती कि हमारी जान जुड़ाए, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जाके झूला झूला रसोई नहीं चढ़ेगी का? न जाने किस घूरे से उठा लाए थे इस कोड़िन को। हमने तो तभी मना किया था कि हम नहीं पालेंगे इस जंजाल को, मगर नहीं माने, बड़ी हमदर्दी उमड़ आई थी, जबरदस्ती थोप दिया हमारे सिर पर। अब इसके लक्षण नहीं देखते घर में बैठकर कि कैसे हमारी जान जलाती रहती है। चाची घर में हो का? आओ बंसी। पाए लगी चाची। जीते रहो जीते रहो। का चाची घर में बड़ा धुआं भर रखा है? अरे ओ चंदा, काहे इतना धुआं कर रही है, जरा सा चूल्हा तक नहीं जलाए बनता। चाची चाची काहे बेचारी चंदा को डांट रही हो, लकड़ियां गीली होंगी उसमें का? अरे हाँ चाची, हम शहर गए थे ना, सो एक चीज लाए हैं तुम्हारे वास्ते, इस्तेमाल करके देखो। का लाए हो? अभी देते हैं, खास नखलऊ का मुश्की जर्दा है। कितने का होगा? दाम से तुमको का लेना चाची, तुम तो इस्तेमाल करो, अच्छी लगे तो और ला देंगे उसमें का। चंदा
चंदा चंदा देखो तो हम कहाँ लाए हैं तुम्हारे लिए शहर से। हमें कुछ नहीं चाहिए। हाय ऐसे कहकर दिल मत तोड़ो हमारा, कितनी ललक से लाए हैं। देखो तो ये रेशमी चूड़ियां पहनोगी तो कलाई सज उठेगी तुम्हारी, खास फिरोजाबाद की हैं। हमें पहनने का कोई शौक नहीं। अरे हाय राम, कितनी अच्छी चूड़ियां हैं, हमें दे दो ना, वो नहीं लेती तो। ये चूड़ियां तो हम उनके लिए लाए हैं और उन्हीं को पहनाएंगे। ले बेटा पाए लागी। चाचा क्यों बंसी, कैसे हो बेटा? बस जी मेहरबानी है आपकी, ठीक ठाक। अच्छा चाची मैं चलता हूँ। अच्छा जी दीपू बेटा। हाँ बापू। जरा पानी तो ला। जी। अरे तू तो ले भी आई। तुम्हें खुश करने के लिए तो ये सब कुछ करेगी, बड़ी चालाक है। अरे मालूम है तुम्हें, आज इसकी वजह से टुंडू डूब गया होता। अरे वाह जीजी ने क्या किया था, गलती तो हमारी थी। चुप है जीजी की हिमायती, हर बार जीजी जीजी करता रहता है। तो तुम झूठा नाम क्या लगाती हो जीजी का? अरे टुंडू रहने भी दे, चुप कर जा। देखा देखा यही स्कूल से पढ़ा के लाते हो कि घर आके माँ से झगड़ा करे। अब तुम भी महाभारत बंद कर दो जरा शांति से। हाँ हाँ बैठो शांति से, हम कुछ भी नहीं कहेंगी, हमारे लिए तो इस घर में अशांति अशांति है। तुम अशांति समझती हो इसीलिए सब अशांत है, जरा शांति से बैठ जाओ तो। बस बस अब हमें पाठ पढ़ाना बंद कर दो। सच में मत गिरते गिरते बचे थे वहाँ। अरे भैया आओ 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 बैठो। अच्छा बाजी अरे कहाँ चली, अभी तो आई थी, बैठो ना थोड़ी देर। सॉरी हमारा मतलब है माफ कीजिए, आप बैठिए बात कीजिए निर्मला से, हम चले जाते हैं। अरे काहे, हम तो रोज इनसे मिलते बतियाते हैं, आप दोनों बात करो ना अकेले में। अरे हम यहाँ बतियाने थोड़े आए, हम तो आप लोगों की बातें सुनने आ रहे थे कि किस बात पर इतनी हंसी आ रही है आप लोगों को। हंसने हंसाने में तो इसकी जोड़ी नहीं है, इसीलिए तो ये हमें यहाँ ज्यादा प्यारी लगती है, जब भी आती है हंसाती रहती है। अच्छा थोड़ा हमें भी हंसाइए ना। अपनी बाँह उठाइए ना। अरे क्या बात करती है, ऐसे गुदगुदा के नहीं, बातों से हंसाइए तब कुछ बात है। हंसी की बात ऐसे थोड़ी ना होती है, वो तो कभी बात में से बात निकलती है कभी कभी। तो फिर ठीक है आइए बैठिए, बात करते हैं अकेले में सारी। ठीक बोले ना बाजी आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मान गए आपको। अच्छा बाजी अब सच्चे में चलते हैं, मामी जाग गई तो बहुत चिल्लाएंगी। अच्छा जाओ, लेकिन देखो कल सवेरे जल्दी आ जाना, दिन भर यहाँ रहना और रात को खा पी कर चले जाना। अच्छा ए दीपा, ये साड़ी तुमने कहाँ पहन ली? कहाँ है? ये तो हमने अपने पहनने के लिए निकाली थी। अरे अगर उसका मन चला और पहन ली तो कहाँ हुआ? तो फिर हम कहाँ पहनेंगे? यही तो एक अच्छी साड़ी है हमारे पास। अच्छी साड़ी का तेरी माँ रखे गई है, बड़ी चली है अच्छी साड़ी पहनने, जो पहने हैं वही पहने रहे, इसमें क्या खराबी है? ये पहन के तो हम नहीं जाएंगे। तो मत जा, तेरे न जाने से चटावन न होगी का, और फिर इतना सवेरे सवेरे जाकर करेगी भी का? निर्मला बाजी ने कहा था कि। अरे वो लोग तो सबको सामने मिलने से यूं ही बोल देते हैं, घर में बैठ के कुछ कामकाज कर। चल दीपा। नमस्ते जीजी। नमस्ते, आओ पंडिताइन बैठो। चाची चंदा को नहीं लाए? अरे वो लड़की हमारे मान में थोड़ी है बहू, अपनी मर्जी की मालिक है, जब मन होगा तब आएगी। अरे मैंने तो कहा था कि साथ चलो, बहू पूछेगी पर नहीं मानी, क्या करूं? अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है, जाके काम कर, अपनी पे ही तो बस चलता है जीजी। ठीक है हम बुलवाते हैं चंदा को। क्या हो रहा है चंदा रानी? कुछ नहीं, मामी घर में नहीं है। तो क्या हुआ, तुम तो हो, बैठो तो, कहाँ चली? हमें काम है। काम को मारो गोली, काम तो तुम हमेशा करती ही रहती हो, सच्ची पूछो तो हमें बड़ा तरस आता है तुम्हारे ऊपर। बेकार की बात मत करो, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता तुम हमसे इतनी नाराज काहे रहती हो, कभी कोई बुरा सलूक किया का तुम्हारे साथ? हम तो तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, तुम अगर हमें एक मौका दो तो सारे दुख दूर कर देंगे तुम्हारे। हमें कोई दुख नहीं है, तुम मेहरबानी करके यहाँ से जाओ।
तुम्हारी यही सब बातें हमें अच्छी नहीं लगती। तो जैसी बातें अच्छी लगती हैं वही बता दो, हम वैसी किया करेंगे। मगर कभी तो हंस के बोल लिया करो, तुम जो कहोगे हम कर दिखाएंगे तुम्हारे लिए, कहा समझी? बच्ची तुम। चंदा दीदी, ओ चंदा दीदी, ओ चंदा दीदी, जल्दी चलो, निर्मला बाजी ने बुलाया है। निर्मला बाजी ने बुलाया? हाँ। ठहर, चलते हैं। हमारी बात सोचना चंदा रानी, हम बाद में बात करेंगे। तुनुआ। चल। ये का बात कह रहा था तुमसे? कुछ नहीं। भौजी, तुमको भी बहुत भाव चढ़ गया है का? नहीं तो? फिर तुम्हें कहा था ना सवेरे जल्दी आ जाना, सो अब आई हो, वो भी बुलवाने पर। नहीं भौजी, घर में बहुत सारा काम पड़ा था, हमने सोचा काम खत्म कर लेंगे फिर जाएंगे, इसीलिए देर हो गई। अच्छा इधर आओ, इस अलमारी में से एक अच्छी सी साड़ी पहन लो, लो जल्दी करो। का है भौजी? अरे वाह, तुम्हारे भतीजे का अन्नप्राशन है और तुम ऐसे ही रहोगी का? लो ये गहने गले और कान में भी पहन लो। जाने दो ना भौजी। चुप, जो कहती है वो करो। अरे अरे सुनो जरा, कहाँ है? अरे भाई चल के वो देखो, पंडित जी पूजा के लिए क्या क्या सामान मांग रहे हैं, निकाल दो जरा। पूजा का सामान तो अम्मा ने सब तैयार करके रखा है, चलो हाँ। हम दे देते हैं। चलो अरे तुम अभी तक आप भापरे, एकदम से डर गए हम। अरे माफ करना भाई, हम समझे निर्मला खड़ी है, बड़ा धोखा हो गया सच्ची में। सच्ची या बहाना, हम का जाने। अरे नहीं नहीं बहाना बिल्कुल नहीं, बहाना बिल्कुल नहीं, सच्ची में धोखा हो गया। तो इतना घबरा क्यों रहे? धोखा हो गया तो हो गया, काहे का धोखा हो गया? अरे ये यहाँ तुम्हारी खुली हुई अलमारी के सामने खड़ी थी, हम समझे कि तुम हो और इन्होंने चपत लगा दी। अरे सच्ची में हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे सिवा कोई और भी हो सकता है। सफाई से दे रहे जैसे जानबूझ के मारो। अरे विश्वास कीजिए। कराइए। कैसे आप बताइए? छोड़ो भैया, ये तुम्हें बना रही है। बाप रे, अरे आप तो बड़ी खतरनाक है सच्ची में। भौजी पूजा के लिए बुला रहे हैं। चलो भैया तुम अलमारी बंद करके आना। अच्छा सच्ची में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। लीजिए अब बच्चे को खीर खिलाइए। लो अम्मा। बहू हमारे यहाँ तो मामा खीर खिलाता है। भैया आओ। लाइए हमें दीजिए। ये ले खीर खा ले। अरे इसने तो खा ली। अरे हंसती ही रहोगी, गाओगी बजाओगी भी। गाओ ना, शुरू करो। ए चंदा गाओ ना। शुरू करना फिर करते। चंदा शुरू करना। नहीं गाओ ना। अरे बिटिया जब तक यहाँ हो गा लो बजा लो, कल को ससुराल चली जाओगी तो यही गाना बजाना हंसना बोलना सबको याद रह जाएगा। शुरू करो चंदा। नहीं गाओ ना। चाहे कोई हाथ जोड़े चाहे बड़े पांव, चाहे चाहे बड़े पांव, क्यों ना चलिए हम छोड़ के हमारा ये गांव, ना चलिए हम छोड़ के ना हमारा ये गांव, ना चलिए हम छोड़ के। कन्या के बस का कन्या का भाव, वही से हो जहाँ
देखो इतने शोरगुल में भी कितने आराम से सोए हुए हैं। आंखें बंद होने से कोई सोया होता है क्या? तो अरे हम तो ऐसे ही आंखें बंद किए एक सपना देख रहे थे। और सुनो, जागते जागते सपना देख रहे थे। यही तो बात है, नींद के सपने तो अपनी मर्जी से नहीं आते ना, लेकिन जागती आंखों से जब जी चाहे इंसान सपना देख सकता है। पर सपने फिर भी सपने होते हैं, टूट जाते हैं। क्या पता कभी कोई सपना सच भी हो जाए। ये लो भाजी, अब हम चलें। अरे अभी कहाँ चली, खाना खा के जाओ और हमको भी खिला कर जाइएगा। आपको तो ये खिलाएंगे अकेले में। आप खिलाइए तब बात है, जी हर तरह से तृप्त हो जाएगा। का मतलब? मतलब ये कि आपको देखा तो आंखें तृप्त हो गई, आपका गाना सुना तो ये कान तृप्त हो गए। अब आप खाना भी खिला दीजिए, हाय तो ये पेट तृप्त हो जाएगा बस। बाबू साहब, लड़कियां ताक रहे हो? आपकी तारीफ? हम भी बस रसिया हैं, नाम है बंसी बाबू। कोई पसंद आई का कुछ मदद कर दें, जान पहचान करवा दें। कैसी बेहुदा बातें करते हो तुम। अरे थोड़ी देर रुको ना, हम भी साथ चलते हैं, बस दो कपड़े रह गए। फिर जल्दी करो ना। रुक जाना, चंदा को भी साथ लेके चलते हैं। वो बंसी है ना, अकेली लड़की देखेगा तो छेड़छाड़ करता रहता है। अच्छा चल। सुसरियां कहीं की,
एक बात नहीं समझ में आती, ये गांव में तुम लोगों का वक्त कैसे कटता है? वक्त अपना वक्त तो भैया प्यार मोहब्बत में कट जाता है। एका सच्ची बात तो कह रहे हैं, अब भैया तुम भी ब्याह कर ही डालो, फिर देखो कैसे कटता है वक्त, चाहे गांव में रहो या शहर में, यूं गुजरेगा वक्त। अच्छा, भाषण देना बंद करो, पत्ते खेलो। सुनिए, ये तीन लोगों में क्या पत्ते खेले जाएंगे? तीन दो पांच। देखो यार, तुम्हारा तीन दो पांच हमें तो आता नहीं। ए, तुम लोगों को ब्रिज आता है? एक डमी रख के खेलते हैं। एक डमी रख के? डमी भाजी, लो डमी की जरूरत नहीं, पार्टनर आ गया। क्या चल रहा है? बैठो, कोर्ट पीस खेलेंगे, बांटो। बांटे भी हमी? हाँ। ये जाती है, बांट लो। नहीं, ये जाती है, बांट लो। ये चंदा। हाँ भाजी, एक काम करोगी, जरा फुर्सत निकाल के हमारे भैया को गांव घुमा दो। घुमा देते। ये क्या है? ये कोल्हू है, इसमें पहले तेल निकालते थे। बड़ी अजीब चीज है ये तो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। लीजिए, गांव तो यहाँ खत्म हो गया, वो सामने दूसरा गांव है। बस यहाँ गांव में देखने लायक क्या था? गांव के भीतर देखने लायक क्या होगा? तो गांव से कुछ दूर जाना पड़ेगा अगर कुछ देखना है तो। चलेंगे? हम तो तुम्हारे पीछे हैं। हाँ? मेरा मतलब आपके साथ है, आप जहाँ कहेंगे आंखें मूंद कर चल पड़ेंगे। आंखें तो खोल कर ही चलिएगा, नहीं तो देखिएगा क्या। आइए चलिए। यहाँ क्या है? आप क्या है, अब तो खंडर है, पुराने जमाने में राजा का महल था। ऊपर चल के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। चलो। वाह, जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे थक गए का? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि इस सिंहासन बत्तीसी पर बैठकर राजा को कैसा लगता होगा। कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम ही वो राजा हैं। अच्छा महाराज, अब उठिए और अपनी सवारी ले चलिए, वरना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। महाराज अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब जी चाहेगा तब उठेंगे। लो हो गया। क्या हो गया? अच्छा भला साथ लाए थे, दिमाग खराब हो गया। किसका दिमाग खराब हो गया? जो हमारे साथ आए थे उनका। कौन था तुम्हारे साथ? एक थे बेचारे। कौन थे तुम्हारे? हमारे कौन होंगे? तो फिर तुम्हारे साथ क्यों थे? बताएं। बताओ। हमारा दिमाग खाने के लिए। प्रणाम। अरे ये लो, तुम तो हमसे बात करना छोड़ कोयल से बात करने में लग गए। बातें थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो उसकी आवाज की नकल कर रहे हैं। मगर तुम्हारी तो नकल भी बिल्कुल असल जैसी मालूम होती है, तभी तो बराबर आवाज दे रही थी। हमें तो ऐसा लगा जैसे तुमने उससे बोला हो कहो, तो वो भी बोली कहो। उसके बाद जैसे तुमने। तब तो लगता है आप कोयल की बोली अच्छे से समझते हैं। जरा आप भी बातें कीजिए ना कोयल से, हम भी सुने। कर तो रहे हैं। नहीं आप भी बस। क्या? कुछ नहीं। देखो तुम हमारे लिए जो भी शब्द कहना चाह रही थी वो अब कह डालो, कि हम तो बस क्या हैं, बोलो ना। अरे बोलो ना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। वैसे कैसे हैं? अपनी तारीफ कराना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे मन की बात सुनना चाहते हैं। मन की थापना इतना आसान है क्या? ये भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर ये मूर्ति तुमसे बोल पड़ती तो तुम क्या बात करती, क्या मांगती उससे? कुछ नहीं, जो सबकी बात जानता हूँ उससे मांगना का। वैसे भी हमें कोई जरूरत नहीं, जिंदगी में जो नहीं मिला तो नहीं मिला, और जो मिला है बहुत है। चलिए। वो सामने सिरसी बांध है। एक गलती हो गई। का? साथ में कैमरा लेकर आए होते तो बड़ा अच्छा रहता, मालूम नहीं था इतनी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेंगी, फोटो खींच ले जाते। साथ में तुम्हारा भी फोटो लेते। किस लिए? याद रखने के लिए, हमेशा याद बनी रहती। क्यों?
फोटो के बिना याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हें और हम भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और फिर तुम्हारी लाजवाब करने वाली बातें तो बस जाइए, फिर बनाने लगे ना। बिल्कुल नहीं, एकदम सच्ची कह रहे हैं। सुन सुन गांव की गोरी, सुन कर बतिया तोरी। सुन सुन गांव की गोरी, सुन कर बतिया तोरी। मैंने समझा मैंने जाना, तेरे रूप के आगे पानी भरती शहरों की हर छोरी। सुन सुन ओ, सुन सुन गांव की गोरी, सुन कर बतिया तोरी। सुन सुन ओ, सुन सुन गांव की गोरी, सुन कर बत्तियां तोरी। चाची, हम तो देख के मारे शर्म के जमीन में गड़ गए। पहले हमने सोचा हमें कहाँ पड़ी है, हम तुम्हें कुछ और नहीं बताएंगे, फिर सोचा अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने आके बता दिया। आने तो दो उस क्लच्छिनी को, आज हमने भी उसकी टांगे तोड़ के ना रख दी तो हमारा नाम भी जगदम्बा नहीं। हाँ। ना चाची ना, मारे पीटे का क्या फायदा, बेचारी चंदा तो ठहरी सीधी सादी। अरे काहे की सीधी सादी? अरे नहीं चाची, तुम समझती नहीं हो, मछली बिचारी तो चारा देख कर फंसती है, कांटा थोड़े ही देखती है। असल में ये ससुरे शहरी छोकरे ऐसे बिच्छू होते हैं कि पूछो मत। हम तो शहर जाते आते रहते हैं ना, तो हमें तो सब मालूम है, हम वहाँ सब देखते सुनते हैं। चाची तुम एक काम करो। का? तुम चंदा का घर से निकलना बंद कर दो। जब ये शहरी बाबू देखेंगे कि इनकी दाल नहीं गलने वाली तो खुद ही लौट कर चले जाएंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बंसी। चाची, चाचा आ रहे हैं। ओ, अरे आंगन का दरवाजा बंद है, इधर से ही आ जाओ। ये हम लाए थे तुम्हारे लिए शहर से, रख लो। अरे काहे तकलीफ, हमें तो काम है, हम चलते हैं।
ये बंसी यहाँ इतना क्यों आता है? काहे, हमको बहुत मानता है इसलिए। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। कोई अच्छा अच्छा लड़का नहीं है, तुम नहीं जानती उसे। और तुम बहुत जानते हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने देखा है उसे। जो देखना है वो तो देखते नहीं और सारी दुनिया को देखते रहते हैं। क्या नहीं देखते हम? अपनी लाडली चंदा के लक्षण कुछ देखते सुनते हो? काहे, चंदा ने अब क्या किया? तुम्हारे मुंह पे कालिक लगाने के लिए तुली हुई है। जगदम्बा, बस चंदा का नाम लेते ही आग लग जाती है। ठहरो, उसको आ जाने दो, मैं तुम्हारे सामने ही पूछ के बताती हूँ। लो, आ गई महारानी। अब इससे पूछो कि कहाँ रंगरलियाँ मनाती है। पूछो इससे कुछ लाज शर्म है या नहीं। बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? आजकल दिन दिन भर कहाँ गायब रहती है, हैं? क्यों चंदा, क्या बात है? निर्मला बाजी ने कहा था, इसलिए उनके भैया को झरना और मंदिर दिखाने ले गए थे। काहे, वो बबुआ है का? अगर इतनी भक्ति है तो अकेले नहीं जा सकते। तुझे का पड़ी है उसके साथ घूमने फिरने की? पर खबरदार, कल से अगर बिना बताए घर से निकलने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझी? तुम भी इसे समझा दो जी। चंदा बेटी, इस तरह अनजान आदमी के साथ घूमना फिरना तो सचमुच ठीक नहीं। तुम नहीं जानते, इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं। हमने देखा है कि कैसे कैसे लोग। बेटी, हम जानते हैं तुम्हारी मामी जब बोलने पर आती है तो बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या बोल जाती है। लेकिन बिटिया, वो भी कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं है? दुश्मन तो हमारा भाग्य है मामा, नहीं तो मैं से अनाथ क्यों पैदा होते? ना ना बेटा, ना। बच्चे कोई अनाथ पैदा नहीं होते। हाँ, कुछ माँ बाप जरूर अभागे होते हैं, लेकिन तुम अनाथ कहाँ हो? हम तो है ना तुम्हारे। आप ही का तो सहारा है हमको, आप हैं, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। और आप भी हम पर भरोसा ना करें तो आपको कितना दुख होगा। नहीं बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, ऐसा तू कभी मत सोचना। ना बेटा, ना, मत रो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बाहू, अरे चाची, आओ आओ, ये लो अपनी साड़ियाँ, रखो। आपने कराई है, चंदा क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे तबीयत मरी को कहा होगा, अच्छी भली है। हाँ, पर मिजाज कुछ ठीक नहीं है। कह रही थी हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम जाकर साड़ियाँ दे आओ। क्यों, ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ नहीं आएगी? अब हम कहाँ बताएं बहू, कैसे कहें? बताओ ना। बुरा ना मानना बहू, कह रही थी कि तुम्हारे भाई उससे छेड़छाड़ करते हैं, वो उसे अच्छा नहीं लगता। अरे मैंने तो कहा भी कि गांव के रिश्ते में भौजी का भाई लगता है, थोड़ी हंसी दिल लगी कर ली तो कहा हो गया, मगर नहीं, न जाने किस बात का बुरा मना कर बैठी। कहती थी कि इनसे डर लगता है। अच्छा बहू, हम चले। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चंदा दीदी ने निर्मला भौजी से एक बात कहने को भेजा। वो बात हमने कह दी, चल। अरे चल। कल ऐसी कोई बात हो गई थी क्या? नहीं तो, शाम को हमारे साथ यहाँ तक आई थी, तुमने भी तो देखा था उसे, बिल्कुल हंसते हंसाते तो गई थी। अजीब बात है, हम तो हमेशा यही समझते थे कि सीधी सादी भली लड़की है, उसके मन में ऐसा छल छंद है पता नहीं था। ठहरो, मिलेगी तो पूछेंगे। पूछने से फायदा? ऐसे भी हमें ना तो यहाँ रहना है ना आना है, हम आज ही वापस चले जाएंगे। उसकी खातिर चले जाओगे? अरे रे, उसकी खातिर क्यों, मगर अब कई दिन रह लिया ना, और सवेरे वाली दूसरी बस तो मिल जाएगी, हम आज ही चले जाते हैं। तुम क्या करते, हमको तो अम्मा ने कुछ बोलने ही नहीं दिया, जबरदस्ती घसीट कर साथ ले आई। तुम एकदम बुद्धू हो, उस वक्त जब वो वहाँ थी तो तुम गए कहाँ, थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते थे का? हाँ, ये गलती तो हो गई, मगर हम बाद में गए होते तो अम्मा की बातें कैसे सुन पाते। मालूम है काका कहेंगे तुम्हारे नाम से। का? कह रही थी कि उनके भाई की छेड़छाड़ तुमको पसंद नहीं, तुमने उनकी बातों का बुरा माना है और तुमको उनसे डर लगता है। मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ दीदी। अरे अरे अरे, हाथ धोने में पूरे घड़े का पानी लगता है तुझे, ध्यान कहाँ रहता है तेरा, है? अब घड़ा खाली कर दिया है तो जाके पानी भर के भी ले आ, जा।
काहे चंदा, देख लिया ना परदेसी बाबू मुंह फिराए के चला गया, अब उसके वास्ते दुख करेगा काफा। एक बात सुन लो हमारी, अगर हमारी बात मान लो तो जिंदगी भर सुखी रहोगी। देखते हैं बुलबुल अड्डे पर कब तक नहीं आती। भाजी का, अब काहे को आई हूँ यहाँ? तुमसे एक बात करनी है। अब का बात करनी है? तुम्हारी बात तुम्हारी मामी तो कह गई है सब। ऐसे नाराज मत हो, एक बार इधर देखो तो। क्या देखी, खुश होने लायक तो कोई बात ही नहीं की है तुमने। ऐसा तुमने कैसे मान लिया भौजी कि हम ऐसा कहेंगे? हमारा विश्वास करो, जो हमने एक भी शब्द ऐसा कहा हो तो फिर तुम्हारी मामी ये सब क्यों कह गई? ये तो वही जाने। तुमने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी मामी ऐसी हैं। वो कैसी हैं, कैसा बर्ताव करती हैं हमारे साथ, हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सब कुछ ये सोच कर सह जाते हैं कि जैसी भी है हमारे जैसी अनाथ लड़की को जिंदा तो रखा उन्होंने। लो देखो भैया, यहाँ से बेकार में दुखी होके गए हैं। हमें मालूम है। भैया अबे तक चाय नहीं पियो? अरे याद ही नहीं रहा। ए राय दे, ठंडी हो गई, हम दूसरे बना लाई। लेकिन भैया तुम जब वकील बन गई हो और इसे भूली हो तो कैसे काम चली? अरे तुम्हें साथ रख लेंगे ना याद दिलाने के लिए। भैया एक चिट्ठी आई है बाबूजी के डाक के साथ। मेरी चिट्ठी? हाँ। कल चंदा मिली थी, उससे बात करने पर मालूम हुआ कि उसकी मामी जो बातें कह गई थी वो सब झूठ थी। दरअसल उसकी मामी को आपका चंदा से मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कह गई थी। देख लो यार, इस बार अकेला यही पास होगा। हाँ बैठो भाई, तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं यार, कई दिन बाहर रहा ना तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। इसलिए भाई हमारे लिए तो तुम अभी भी बाहर हो। न मिलना न जुलना न घर से निकलना, ये क्या नाटक लगा रखा है यार। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी तुम्हारे आने का प्रोग्राम बना ही रहा था। आ चलो चलो। बस बस आज की छोड़ो, कल के बताओ क्या प्रोग्राम है। आनंद देशर के मेले में चलना है क्या? हाँ चलेगा चलेगा। अचानक मेले का प्रोग्राम? यार सुना है आनंद देशर पापा सबकी मनोकामना पूरी कर देता है। भाई ना हो तुम तो पढ़कर पास हो जाओगे। हमने सोचा भोले भंडारी को थोड़ी सी रिश्वत देकर हम भी जुगत भिड़ाए। अरे 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 तुम हो, किसके साथ आए हो? चंदा दीदी है, दीपा दीदी है और भी गांव की सब जल है। कहाँ है? उधर ऑटो में। चंदा? अरे आप यहाँ? ऐसे मुलाकात हो जाएगी सोचा भी नहीं था। एक किनारे खड़े होकर बात करो। अरे रास्ता रोक के काहे को खड़े हो भाई, हटो ना। आओ भीड़ से बाहर उधर चले। टुन्नू चंदा कहाँ है? तुम्हारे साथ तो थी, हमें क्या मालूम। आगे निकल गई होगी, भीड़ भी तो ज्यादा है, चलो मिल जाएगी। नहीं तो तय तो है ही, सब लोग सरजू भैया की दुकान पे मिल ही जाएंगे। हाँ चलो, चलो वहीं चलते हैं, वहीं मिल जाएगी। उस रोज आप हमसे नाराज होकर लौटे, जाते समय में देख कर भी नहीं देखा। हाँ मगर हम सोचते थे कि अब कभी भी हम आपके सामने पड़ेंगे तो आप फिर उसी तरह मुंह फेर लेंगे। अगर निर्मला की चिट्ठी ना मिली होती और सही बात ना मालूम हो गई होती तो शायद वही करते। अगर ऐसा करके हमें कितना दुख होता ये भी हम जानते हैं। दुख? हाँ, क्योंकि मन तो यही चाहता कि तुमसे मिले वैसे ही हंसे बोले। चंदा तुम्हारे मन की बात तो हम नहीं जानते, पर अपने मन की था हमें मिल गई है। वहां सिर्फ तुम ही तुम हो। मन को कोई एक बार अपना लगने लगे तो उसे पराया नहीं किया जा सकता। सच है,
हमने तो वापस जाने के बाद सोचा था कि तुम्हारा कभी ख्याल भी दिल में नहीं लाएंगे। जितना सोचते थे कि तुम्हें भूल जाएं, उतने ही तुम्हें भुलाने की बात भूल जाते थे। हम तो भुलाने की नहीं सोच सकते थे, बस मन ही मन रोते रहते थे कि हमारे लिए आपको कितना दुख पहुंचा होगा। एक तरह से शायद ये अच्छा ही हुआ। एक बार दुख पाकर अपने प्यार की गहराई का पता तो लग गया। कुछ दिनों की दूरी ने हमें कितना करीब ला दिया, है ना? ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे, मैं दिल हूँ तू धड़कन, ये जन्मों का बंधन हो जैसे। गाँव वालियों के साथ ही तो आए हैं। गाँव वालियाँ गई चूल्हे में। देर तो अम्मा चंदा के लिए हो गई। काहे? हम लोगों को मंदिर में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई। ढूंढते फिरे मेले भर में इसको, हार कर सरजू हलवाई की दुकान पर जा बैठी हम, तब ये ना जाने कितनी देर बाद वहाँ आई। सुना, कहाँ कह रही है?
कहाँ चली गई थी? वो तो दोपहर की बात है मामी, बाद में तो इसी ने देर की। हमने कहा देर की? क्यों भूल गई? तुमने तो कहा था जादू का खेल देखना है, नौटंकी देखना है। तो तुम जल्दी आ गई होती, वो सब जल्दी देख लेते ना, अपना दोष हमारे सर मरती हो। इससे और क्या उम्मीद हो सकती है? और जानती हो अम्मा, जब ये वापस आई इसके साथ कौन थे? कौन था? निर्मला भौजी के भाई। तो इसीलिए मेले में गई थी है? मना किया था ना तुझे कि नहीं जाना और उससे नहीं मिलना, पर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, हमारे मुंह पे छोड़ेगी। अरे कोई तुझे मारते मारते तो हमारे हाथों में दर्द होने लगा है, आने दे उनको आज, हम भी उनसे कहेंगे कि आप अपनी बला को घर में नहीं रखेंगे। हाँ दीदी, ये अम्मा तुम्हें रोज रोज क्यों मारती है? तुम बापू से क्यों नहीं कहती? मारती है तो क्या हुआ? नहीं दीदी, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम मामा से नहीं कहना, वो सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे, नहीं कहोगे ना? नहीं दीदी, मत रो। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो अब अपने चंदा का कुछ ठिकाना कर दो। करेंगे करेंगे, कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो शादी भी कर देंगे। तो चलो लड़का हम बताती हैं, वो खुद चंदा से ब्याह करना चाहता है, आप ही आकर उसने बात चलाई है। लेकिन लड़का है कौन? अरे वही अपना बंसी, और कौन। ये क्या कह रही हो तुम, बंसी? हाँ वो कह रहा था हमें दहेज वहेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अरे बल्कि वो तो शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार है, हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम उस लड़की को उसके हाथ बेच दें? ओहो, बेचने को कौन कह रहा है? और क्या कह रही हो? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसी अनाथ है वैसे ही ब्याह दो, जो पैसे बचेंगे उसमें दीपा की शादी होगी, अब वो भी तो सियानी हो गई है। मालूम है मालूम है, लेकिन हम चंदा की शादी बंसी के साथ हरगिज नहीं करेंगे। अरे चंदा बाहर काहे खड़ी हो, भीतर आओ ना। आई तो रहे थे। आओ बैठो बैठो ना। क्या बात है आज, कुछ शर्मा रही हो, कुछ खुश नजर आ रही हो, कहीं तुम्हारी शादी तो तय नहीं हो गई? तय होते होते रह गई, तो उसमें इतनी खुशी? पूरी बात तो सुनो भौजी, रात मामी मामा से कह रही थी कि हमारी शादी बंसी के साथ कर दें। सुना है बंसी तो बड़ा बदमाश है। हाँ सच्ची तो है, जिसे पाता है उसी को छेड़ता है, इसीलिए मामा ने मना कर दिया। मामी तो बहुत गुस्से में, पर हम तो बच गए। अच्छा हुआ। अच्छा भाजी, तुमने अपने भैया को चिट्ठी लिखी थी हमारे बारे में? हाँ लिखी तो थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो कल मिले थे ना मेले में। तो हमारे भैया वो हो गए ना तुम्हारे? भाजी बताओ ना क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ भी नहीं। कुछ तो भाजी? फिर तो हमको एक चिट्ठी और लिखनी पड़ेगी भाजी। वहाँ चंदा नाम की कोई लड़की है, तुम शायद उसे पसंद करते हो, क्यों? जी। अरे कहाँ ब्याह कर रहे हो लड़के का, हमें भी तो बताओ। लो इसीलिए तो बुलाया तुमको। अच्छा। निर्मला ने अपने यहाँ की एक लड़की के बारे में लिखा है। हाँ? लड़की नरेंद्र को भी पसंद है। अच्छा कौन है वो लड़की? वहाँ के स्कूल मास्टर की भांजी है, उन्हीं के पास रहती है। और माँ बाप? नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए, ब्याह शादी तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ भरा पूरा परिवार हो, चार रिश्ते नाते बढ़े, फिर है तो ये स्कूल मास्टर देंगे क्या? और हमें कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? अरे वाह। एक गरीब अनाथ लड़की को आश्रय मिल गया, इससे अच्छी बात क्या है? देखो लड़की का शील, स्वभाव, गुण, संस्कार, यही उसका दहेज है जो हमेशा काम आएगा। ये लेना देना कितने दिन रहता है? फिर भी हम जाकर लड़की को एक बार देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। मैं तेरे प्यार में क्या कहना,
जरा ठहरो तो चंदा रानी। रास्ता छोड़ो बंसी। रास्ता तो छोड़ देंगे पर आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो वहाँ बैठ के प्यार की दो बातें करें। आओ। तुम्हारी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं हमको। हटो जाने दो। रानी छोड़ दो बंसी। बहुत दिनों से तुम सताए रही हो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। खबरदार बंसी आगे बढ़ता। रुक जा। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं हुआ। कोई जानवर था क्या? हाँ जानवर था। अच्छा अच्छा डरो मत। कहाँ रहती हो तुम? वो सामने बिरमपुर गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में अकेली कहाँ गई थी? मंदिर गए थे। अच्छा अच्छा आओ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें छोड़ दूँ। हमारा घर पासी में, चले जाएंगे। अच्छा ठीक। आप अध्यापक लोग तो सही माने में देश के मार्गदर्शक हैं। नहीं मील का पत्थर कहिए, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलकर खुद कहीं नहीं पहुंच सकते। सच्चे मार्गदर्शक तो वो हैं जो खुद सबसे आगे चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं। वाह क्या बात कही है आपने। अच्छा बाबूजी आपके लिए कुछ चाय वाय बनवाऊं? हाँ बना लो लेकिन पैसे लेने पड़ेंगे। ले लेंगे। भैया मामा कहाँ है? मामा अंदर बैठे। अरे चंदा बेटी आ इधर आ। का मामा? वकील साहब यह है मेरी भांजी। अच्छा यही है। बेटी नमस्ते करो। नमस्ते। जीती रहो बेटी। इससे तो हमारा परिचय गांव में आते आते ही हो चुका था, है ना? और तारीफ यहाँ आकर सुन ली, बस अब क्या बाकी है। अरे हाँ आपकी बहन मतलब इसकी माँ कहाँ ब्याही थी? उनके परिवार का कौन कहाँ है? वो ऐसा है कि बेटी चंदा तुम जाओ ना निर्मला के पास भीतर। अच्छा हुआ आपने सब कुछ पूछ लिया, मैं आपको सब बताता हूँ। आओ आओ खाली हाथ आई हूँ का? कुछ मिठाई विठाई लेकर नहीं आई? कहे बनो मत, समझी नहीं का? हमारे बाबूजी आए हैं तुम्हें देखने। हाय राम वो तुम्हारे बाबूजी हैं भौजी? हाँ मगर देखो आज से तुम हमें भौजी बोलना छोड़ो, अब तक तो हमारी भाभी होगी। काजा ने उनको हम कैसे लगे? बहुत अच्छी लगी हो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बैठो अब हम तुम्हें मिठाई खिलाते हैं। तब से चंदा मेरे पास है। ये बात और कौन जानता है आपके अलावा? अब सिर्फ आप ही जानते हैं बस। अच्छा है उन सब बातों से आपके भांजी का क्या सरोकार? हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। अब आज ही मुहूर्त निकलवाइए, हम सब तय करके जाएंगे। अरे क्या बात है बंसी बाबू, लगता है चाल कुछ बदल गई है। मजाक मत करो, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं है हमारा। पान लगाओ। हाँ हाँ बैठो, पहले इनके पान बांध दे जरा। ये लो भैया। का हुआ बंसी बाबू? कुछ नहीं यूं ही जरा चोट लगी पाँव में। और आप दिल पर भी एक चोट खाने के लिए तैयार रहो। का मतलब? मतलब ये है कि चंदा की शादी तय हो रही है। हाँ ये सतीश अभी पान लेके गया है ना, बता रहा था प्रताप के ससुर आए हैं अपने बेटे के साथ चंदा की शादी की बात पक्की करने। हमने भी अगर बात कच्ची न करा दी तो हमारा नाम बंसी बाबू नहीं चंदा रानी। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शिव शंकर शर्मा।
यही लगता है। हे भाई, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मिलना है तो ऐसे घंटी बजाओ ना, ताक झांक काहे करते हो? ऐसा है कि बाबूजी इस समय कचहरी मिलेंगे और नरेंद्र भैया के दोस्त तुम हो ही नहीं सकते, तुम्हें मिलना किससे? माँ जी तो घर में। हाँ तो उन्हीं से मिलना है। लो तो अब इन्हें भी घंटी बजाने का शौक हुआ है, सारा हाथ का काम छोड़कर आना पड़ा। अरे तुम काहे को लाल पीली हो रही हो? तुमको किसने यहाँ बुलाया है? हम तो इनको घंटी बजा के दिखा रहे थे। भैया तुम कहाँ से आए हो? बीरमपुर से। अरे तो पहले काहे को नहीं बताया? आओ 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 अंदर आओ आओ आओ। बाबूजी तो अभी कल ही वहां से आए हैं। बैठो। मालूम है। अरे तुम खड़े खड़े कहाँ दिख रही हो? पानी वानी पूछो ना, अब तो दीदी ससुराल हो गई हुआ, पता नहीं कौन आदमी कहाँ का है। जाओ आप यहाँ बैठो, हम माता जी को भेज रहे हैं। पाए लगी माँ जी? दूर से जीतर। कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना हम नहीं। तो बस आपके बच्चे ही है माँ जी, प्रसाद तो दीजिए। लो। जय हो। जीतर कहाँ से आए हो? बस यहीं से माँ जी। अच्छा। बीरमपुर हम जाते आते रहते हैं। अच्छा। सुना है वो आपके लड़के की भी शादी तय हो रही है? हो गई है। हाँ। हो गई है? हाँ क्यों नहीं, ठीक है, अब तय हो ही गई है तो क्या कहें। नहीं नहीं बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। तो भी माँ जी, जिस लड़की से आपने रिश्ता तय किया है ना, वो आपके इस घर में आने के लायक नहीं है। क्या बात करते हो? आपका ठहरा कुलीन खानदान, और वो लड़की, उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे, कोई पता ठिकाना ही नहीं। यूँ माँ साहब कहते जरूर है कि उनके दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है, पर माँ जी आप इतना नेम धर्म मानती है इसलिए बता रहे, वरना हमें कहा। अच्छा माँ जी आज्ञा चाहते हैं, जयराम जी की। अच्छा जी। सुनो। क्या? ये लड़की जिसके साथ तुमने नरेंद्र का ब्याह तय किया है, उसके बारे में सारी बातें ठीक तरह से मालूम कर ली है ना? हमारा मतलब है कि उसके माँ बाप, खानदान, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र और निर्मला को लड़की पसंद आई और आप मान गए? अगर ऐसा ही करना होता तो हम वहाँ जाते क्यों? जो कुछ भी मालूम करना चाहिए था वो सब कुछ मालूम कर लिया है हमने। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? नहीं, कोई आया था, कहता था कि वो लड़की इस घर में आने लायक नहीं है, इसीलिए कहा कि कल को कोई बात निकले और हम लोग। ऐसी कोई शंका करने की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत रहो, कभी कोई कुछ कहेगा तो हम जवाब देंगे। कैसे कैसे ओछे लोग होते हैं जो एक कन्या के ब्याह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे आदमी की बात पर क्या ध्यान देना, जरूर उस आदमी के दिल में कोई गलत बात होगी। हमने तो बता दिया, अब तुम जैसे ठीक समझो। अरे मुन्नी। चंदा। कब आई तुम? कल ही आए, आते ही सुना तुम्हारा ब्याह तय हो गया है। सुनकर सच्ची बड़ी खुशी हुई। मुन्नी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं का, कैसे तुम? थोड़े दिनों से ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए तो हवा पानी बदलने आए हैं। अच्छा है तुम्हारे ब्याह में भी शामिल हो लेंगे, सुना है दूल्हा और ससुराल तुम्हें बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा है, भगवान करे तुम हमेशा सुखी रहो। अरे घर चलो ना, बैठ के बातें करेंगे। अभी नहीं, अभी बहुत काम है, ब्याह में तो हम आ ही गए ना। अच्छा अच्छा चलते। ओ मिमाला जानोपामग्नो समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सम्मननं तदग्निर्नुमन्यता मह्यं स्वाहा इदमग्नये। अब कन्या को आगे चलाइए, एक बार पीछे चले। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्तु सूर्या वातु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्दाग्ने प्रजया सह। अपने अपने स्थान पर फिर से आ जाइए। सुमंगलीरियं मधुरिमाग्मं समेत पश्यत सौभाग्यमस्तै दत्त्वा यथास्तं विपरेतनः।
चलो निर्मला, इन्हें अंदर ले जाओ और ठाकुर जी को प्रणाम करवाओ। आओ बहू अंदर। चलो भाभी बैठो। अरे अच्छा मैं जाता हूँ। बैठो भाभी। लो अम्मा भाभी का मुंह देखो। भाभी अम्मा के पैर छुओ। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बहू ये हार हमारी सास ने हमारी मुंह दिखाई पे दिया था, आज से यह तुम्हारा हुआ। अम्मा ये तो बताओ भाभी कैसी लगी? बहुत सुंदर। Oh,
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो? हमें तो एक बात याद आ रही है। का? याद है? हमने कहा था कि जागी आंखों का सपना सच भी हो जाता है। हमारा सपना तो सच हो गया। हमें तो अब भी ये सब कुछ सपना सा लग रहा है। देख लो, तुम जाग रही हो और ये सब जो देख रही हो ना, ये सपना नहीं हकीकत है। देखिए ना कितनी जोर से चिकोटी काटी। ये लो, तुम हमें काट लो। अब बोली ना अपनी तरह से, नहीं तो हम तो ये समझ रहे थे कि तुम ससुराल की दुल्हन बनकर बिल्कुल ही बदल गई हो। देखो चंदा, हमारे लिए तो तुम बस वैसे ही रहना जैसा हमने तुम्हें पहली बार देखा था। जाग गए तो उठिए ना। हमको तो कोई उठाएगा तभी उठेंगे। उठिए। चाय बाबूजी, आपको चाय दें? नहीं बाद में, पहले तुम भी तो बैठकर नाश्ता कर लो। अम्मा आप नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं, हम अपने चौके में ही कर लेंगे, तुम यहाँ बैठकर खा लो। हम भी आपके साथ चलते हैं ना, वहीं खाएंगे। नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठ के खाओ। बहू जी, बाबूजी, ये लो, ये रखो तुम्हारे पास हाथ खर्च के लिए। इसकी क्या जरूरत है? फिर भी रख लो, वक्त जरूरत तुम्हारे काम आएंगे। और बाबूजी, हमारा जेब खर्च बंद? बंद क्यों, अब तो तुम्हें ज्यादा ही देने पड़ेंगे। अब सारे दे दीजिए। थैंक यू। लाइए ना, हम देते हैं। नहीं, पहले तुम नाश्ता करो। अरे और लो। बस बात है। बस क्या, हम तो इसीलिए बैठे थे कि तुम्हें अपने सामने खिलाकर उठेंगे। खाओ, फिर हमें कॉलेज भी जाना है। आप चले जाएंगे? नहीं जाएं? जल्दी आ जाएंगे, तब तक तुम मम्मा के पास रहना। अम्मा, बहू, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ बाहर जाओ। लाइए दीजिए, आज हम खाना बनाते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, तुम जाओ। अरे काहे हम बनाते? अरे रहने दो, चौके में पैर मत रखो, तुम जाके अपने कमरे में बैठो। आप काम करते रहे, हम कमरे में बैठे अच्छा नहीं लगता, कुछ तो करने दीजिए ना। बहस मत करो, बाहर जाओ, तुम्हारे खातिर हम अपना नियम धर्म नहीं तोड़ेंगे। आ गई खाना पकाने। हरे राम 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 हरे राम। बहू जी, ये लो खाना खा लो। यहाँ? हाँ, माँ जी ने कहा है कि यहीं खा लो। ठहरो, जरा पानी देना। और पानी लेना। हाँ अच्छा। बहू ने खाना खा लिया? खाया है थोड़ा सा। आपने भी तो कैसे डांट दिया था। हाँ, न डांटती तो क्या करती, चौके में चढ़ी आ रही थी, उसके लिए क्या अपने नियम धर्म बिगाड़ लूं? क्या माँ जी, बहू है वो आपकी। है तो क्या हुआ, ब्राह्मण घर में पली है तो भी। चलो अभी तुम खाना खा लो और रसोई साफ कर लो। जी। अच्छा जी, ठीक है, तुम सोती रहो,
हम बाहर जाते हैं। जाएं? अरे सच में सो रही हो चंदा? ए अरे आ गए आप? हाँ क्यों, कोई सपना देख रही थी क्या? नहीं तो। कमाल है, ऐसी शरारती मुस्कान लिए सो रही थी, हम तो समझे सोने का बहाना लिए पड़ी हो। अच्छा कैसी मुस्कान थी, जरा मुस्कुरा के बताइए। हम तो कोशिश करें तो भी नहीं बता सकते, मगर थी वो एक लाजवाब मुस्कान। ऐसी मुस्कान थी कि आदमी जिंदगी भर के लिए फिदा हो जाए। हाँ बस ऐसी थी मुस्कान। अच्छा सुनो अब एक कप जल्दी से चाय हो जाए। अच्छा बहू जी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जी वो, अरे तुम्हें चौके में घुसने की क्या पड़ी है? मना किया था ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? वो कॉलेज से आए हैं, चाय मांग रहे हैं। ठीक है तुम चलो, हम भेजती हैं। क्या हुआ? अभी चाय आ रही है। चंदा अभी तो तुम यहाँ से हंसते हंसते गई थी और आई हो तो अम्मा तुमसे कुछ कह रही थी क्या? नहीं कुछ तो। अच्छा एक बात बताएंगे? क्या अम्मा हमसे कुछ नाराज है क्या? आपसे हमारा ब्याह उनको पसंद नहीं था क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्यों? पता नहीं, सवेरे हमें रसोई में जाने से मना कर दिया, अब भी वही कह रही थी। दोपहर में हमारा खाना भी यही कमरे में भिजवा दिया, अकेले बैठ के खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो रात में हमारे साथ बैठ कर खा लेना। अम्मा दरअसल अपने चौकी की पवित्रता का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, रसोई में हमें ही कहां जाने देती हैं। देखो उनकी बात का बुरा मत मानना। अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं घूमने। तुमने हमें अपना गांव घुमाया था ना, हम आज तुम्हें अपना शहर घुमाते हैं। हम नहीं जाएंगे, अम्मा और नाराज हो गई तो। अरे बाबा क्यों नाराज होंगी, उनसे कहकर चलेंगे ना। चलो दूसरी थाली क्यों लगा रही हो, इसी में खा लो ना। अच्छा आप खा लीजिए फिर हम खा लेंगे। तो फिर साथ खाने का मतलब क्या हुआ? पूर्णिमा तुम जाओ, हम लोग लेकर खा लेंगे। हा? जी अब खाओ, पूर्णिमा को तो खिसका दिया हमने। बड़े वो हैं आप। आहा अच्छा आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? जो कुछ भी तुम खिलाओगी वही अच्छा लगेगा। हम अरे तुम तो अगर ये मिर्ची भी अपने हाथ से उठाकर खिला दो ना तो हम इसे चमचम समझकर खा जाएंगे। कैसे मालूम है? बहू जी तुम नहा चुकी? जी तो जरा इधर आओ तो बैठो, ये लो ये जरा सुई में डोरा तो डाल दो। बहू आज क्या है जी? आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। अच्छा परसों तिल संक्रांति है ना? अरे हाँ, लो तुमने ठीक याद दिलाया, भोला अभी बाजार तो नहीं गया होगा, हाँ तिल मंगवाने होंगे। तुम तिथि त्योहार सब कुछ जानती हो ना? हाँ माँ जानती क्यों नहीं। तो ठीक है बहू, नरेंद्र बुला रहा है शायद।
अरे क्या कर रहे हो? अरे तुमको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो। इश, कैसे खराब लग रहे हैं? किस तरह के फड़ फड़ के देख रहे हैं हम? क्या बात करती हो, कितनी तो सुंदर लग रही हैं आंखें। इन आंखों की और इस मुस्कान की मिठास तो हमसे पूछो। बड़ा लालची बना दिया है इन्होंने, जी कभी भरता ही नहीं। और ये भी कहिए ना कि कभी भरेगा भी नहीं। सच्ची बात है, ये प्यार तो चीज ही ऐसी है, है ना? अम्मा। आओ बहू। आपने हमें बुलाया अम्मा? हाँ, तुम जमीन पर बैठ के खाती हो तो यहाँ बैठ के खाओ। जी अच्छा, ये लो। और आप? हाँ हम भी खा लेंगे। आपके सामने आपसे पहले हम कैसे खा सकते अम्मा? अरे ये लो, बस अब खाओ। बहू और कुछ चाहिए? बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए अम्मा। क्या? हाँ अम्मा, माँ बाप की तो हमको याद तक नहीं, ममता की छाँव में मिली नहीं, मायके का कोई सुख हमने नहीं देखा। अब सब कुछ पाने की उम्मीद हम आपसे न करें तो किससे करें? हम तुम्हें साथ देंगे बहू। तुम इसे अपना ससुराल नहीं, मायका समझो, और हम तो तुम्हारी माँ है ही। हाँ बेटी, Thank you.
अरे बहू। हाँ माँ। तुम दूध पिए बिना ही चली आई, हाँ जाओ पी लो जाके, चूल्हे के पास ही रखा है ताकि गर्म रहे। अच्छा अभी जाते। वाकई कमाल है। क्या? जो अधिकार अम्मा ने हमें कभी नहीं दिया यानी चौके में जाने का, वो भी तुम्हें दे दिया। हम उनकी लाडली जो हैं। अरे वो तो हम देख ही रहे हैं, अम्मा तो बस हर वक्त बहू बहू किया करती हैं। लगता है तुमने कुछ जादू कर दिया है उन पर। जादू तो आपका है। हमारा? हाँ। ये सब कुछ है तो आपकी वजह से ना। आपको एक बुद्धू बनने की बात बताएं अपनी। बचपन में हमें सब ससुराल के नाम से बहुत डराया करते थे और हम बहुत रोते थे, पर आज ऐसा लगता है कि ऐसी ससुराल अगर सबको मिले तो ससुराल का मतलब ही बदल जाए। इतना प्यार सबका, इतनी खुशी, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। बस अब हम आप सबको खुश रख सके तो। तुम खुश हो चंदा, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। अरे क्या हुआ? अरे इतनी खुशी समा नहीं रही, झलक जाने दीजिए। धत पगले। अरे करना था इनकार मगर इकरार तुम इससे डर। अरे का चाची, भांजी को इतने बड़े घर में ब्याह के खुद कंडे पाथ रही हो? भांजी का जहाँ भाग था वहाँ वो गई, जो हमारे भाग में है वो हम कर रही हैं। अब उसे मामा मामी से क्या मतलब? जब से गई है मरी ने राजी खुशी की एक खबर तक न भेजी। चाची कहो तो हम मालूम कराए, शहर तो हम ऐसे भी जाते ही रहते हैं। का जरूरत है, जब वो मामा मामी को भूल गई तो हम उसे भूल गए। भूलना तो नहीं चाहिए। अरे चाची तुमने उसे खिला पिला पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कितनी बढ़िया शादी की, उसे भी तो कुछ करना चाहिए तुम्हारे लिए। बल्कि मैं तो कहूँगा चाची अगर वो भूल गई है तो उसे याद दिलाना चाहिए। बाकी तुम समझदार हो चाची, जयराम जी की। बल्कि मैं तो कहूँगा चाची अगर वो भूल गई है तो उसे याद दिलाना चाहिए। तुमने उसे खिला पिला कर पाल पोस इतना बड़ा किया, कितनी बढ़िया शादी की, उसे भी तो कुछ करना चाहिए तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बैठे बैठे सोच रही हो? अरे हम का सोचेंगे, हम तो बैठे बैठे अपने कर्मों को कोस रहे हैं। सारा गांव हमारे उड़ाता है और हमें चुपचाप सुनना पड़ता है। क्यों, क्या हुआ? अरे ये लड़की तो बड़ी तोता चश्म निकली, मरी ने जाने के बाद एक बार याद तक नहीं किया है। अब याद करने लायक तुमने उसके साथ किया ही क्या था? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे कि हमने हमेशा उसको सताया है, उसका भला तो कुछ किया ही नहीं। भला किया था तो भला सोचो, तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि चंदा अपने घर में है, सुखी है, खुश है। हाँ हाँ, ये सोच कर तो तुम ही खुश रहो, हमें तो तब खुशी होती जब ये सारा सुख हमारी दीपिका। पर तुम सब क्यों सोचते, तुम्हें तो हमेशा अपनी से पराई ज्यादा प्यारी रही है। टुन्नू दीदी। अरे कैसे रहे तू? ये अम्मा चंदा दीदी आई है। मामी। अरे चंदा बिटिया, मोरी बिटिया, बिटिया तू आ गई बिटिया। दीदी आई है तो इतना रो कर रही हो? अरे चुप कर। अरे बिटिया हम तो समझे थे कि तुम हमको भूल गई। अरे कैसी बात करती हो मामी, ऐसे कैसे भूल सकते हैं? देखो ना आज रक्षाबंधन है, टुन्नू को राखी बांधने आ गए। राखी लाइयो, बढ़िया वाली। बहुत बढ़िया, चल अंदर बांधते हैं। हाँ चलो चलो। चाची, ओ चाची, सुना है चंदा आई है? हाँ, एक का बैठी है। ये, नमस्ते। बाप रे बाप, इस चंदा में और उस चंदा में तो जमीन आसमान का फर्क है, ये तो पहचान ही नहीं जाती। ये लो मिठाई खाओ। हाँ जरूर खाएंगे। ये खास चौक वाली दुकान की है ना, हमें मालूम है, हम शहर जाते आते रहते हैं ना। ये हमारे टुन्नू के लिए। अरे वाह। और ये साड़ी दीपा के लिए, कैसी है? ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
तो शहर आते ही जाते रहते हैं ना, तो हमने कई बार सोचा तुम्हारे यहाँ आके राजी खुशी पूछ जाए। चाची बता रही थी एक दिन, तुम तो चिट्ठी उठी भी नहीं लिखती। वो अरे अपनी घर गृहस्थी में बजी रहती है, देखो वैसे आज याद करके आई तो। चंदा हम अगर तुम्हारे यहाँ आए तो आ सकते हैं? आना ना। अच्छा हम आएंगे। अच्छा चाची चलते हैं। हाँ हाँ। अरे मम्मी मामा कहाँ है? वो तो आज सवेरे से ही गांव से बाहर गए हैं, दीपा के लिए एक दो लड़के देखने थे ना। अच्छा। आज स्कूल में छुट्टी थी और कल इतवार है, सोमवार सवेरे वापस आ जाएंगे। तुम तो यहीं रहोगी ना? नहीं मम्मी, हमको तो कल ही लौटना है। अरे रे रे रे। अरे रे बिटिया यहाँ मत लेटो, अब तो तुम्हें नरम बिस्तर पर लेटने की आदत होगी, वहाँ चलकर पलंग पर सो जाओ। अरे हाँ? मम्मी। बिटिया तुम पान वान खाते हो तो बना दे। नहीं मामी, ऐसी कोई आदत ही नहीं डाली हमने। बस आज इतने दिनों बाद घर का खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। अरे अपने ससुराल में तो तुम बढ़िया से बढ़िया खाना खाती होगी, यहाँ तो वही सूखी सूखी। लेकिन अच्छा तो वही ना लगेगा मामी जो बचपन से खाते आ रहे हैं। अच्छा अब तुम सो जाओ। हाँ अरे बैठो ना, गाँव का हाल चाल तो अभी कुछ पूछा ही नहीं। अरे गाँव का हाल चाल का? अच्छा मामी आ रहे थे तब देखा मुन्नी का घर एकदम खंडर सा पड़ा, तिवारी काका नहीं रहेगा? अरे उनके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ, तुम्हें नहीं मालूम? क्या हुआ? उसकी शादी तो तुम्हारे सामने ही हुई थी ना। हाँ हमारे ब्याह में आई भी तो थी ना ससुराल से, कह रही थी तबीयत खराब रहती है, हवा पानी बदलने आई है। अरे हवा पानी का, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था बेचारी को। अरे काहे? बेचारे बाप ने तो जमीन जायदाद बेचकर एकलौती बेटी की शादी की, पर वहां से उसे कोई सुख न मिला। उन्होंने उसे बहुत सताया, नौकरानी की तरह से काम कराया, और जब दुखिया को टीबी हो गई तो घर से बाहर निकाल दिया। टीबी? उसका इलाज नहीं कराया उन लोगों ने? अरे बड़े आदमियों में इतनी दया माया कहाँ होती है। उन्होंने लड़के का दूसरा ब्याह कर दिया, मुन्नी बेचारी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, गले में साड़ी डालकर झूल गई। इसीलिए हम तो भगवान से हमेशा यही मनाती रहती है कि तुम्हारे साथ कहीं ऐसा ना हो। हमारे साथ ऐसा क्या होगा? अरे तुम्हारी तो माँ ही तुम्हारी दुश्मन थी बिटिया, जन्म से ही तुम्हें मार के रख दिया। कभी मरी थी हमारी माँ को? अरे अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो, भगवान न करे तुम्हें कभी कुछ हो। देखे देखे तुम्हारे हाथ, देखे देखे क्या हुआ है हमारे हाथ को? अरे हाथ पाँव की उंगलियों पर, होठों पर, गर्दन पर, इन्हीं जगहों से तो कोढ़ शुरू होता है। हमारी माँ को कोढ़ था? किसने कहा? हम कहती हैं, बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, क्या हमें नहीं मालूम? जब तू हमारे पास आई थी तो तुझे होश भी नहीं था। हाँ हमने कभी कहा नहीं तुझसे, आज बात बात में मेरी बात निकल आई मुँह से। नहीं नहीं ये झूठ है मम्मी, सच बोलो ये झूठ है ना? अरे हम झूठ काहे बोलेंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, अभी तक तो कोई आसान नजर नहीं आते। पर हाँ ख्याल रखना, बड़ी छूत का रोग है। ए, का सोच में पड़ गई? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाई उन लोगों से? लो अगर उन लोगों को बता देती तो क्या तुम्हारा ब्याह वहां होता? और अब भी हम थोड़ी ही जाकर बताएंगे, तुम्हारे सुख में ही तो हमारा सुख है बिटिया। ये भारी भारी कंगन, ये चूड़ियां, ये हार, ये रेशमी साड़ी, ये सब देखकर तो हमारा जी जुड़ा गया। हमारे भाग में ये सब कहां? तुम ये सब पहन रही हो यही देखकर हमें खुशी हो रही है, बस तुम खुश रहो, फूलो फलो और क्या। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई बिटिया।
तुमने हमें धोखा दिया, हमसे बात छिपाई, और अब ये बीमारी लेकर इस घर में रहना चाहती हो? ये नहीं हो सकता, चले जाओ, निकल जाओ इस घर से। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आपके सिवा हमारा है कौन? हम कहाँ जाएंगे? हमें यही कोने में पड़ा रहने दीजिए, घर से मत निकालिए। अगर प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम दया की भीख दे दीजिए, हम पे रहम खाइए, हम पे रहम खाइए। दूर हो जाओ। चंदा बिटिया उठ गई का? हाय राम, ये रात भर में तुम्हारे चेहरे को का हो गया? तुम्हारी सास देखेगी तो का कहेगी? रात को यहां सोने में तकलीफ हुई ना? तकलीफ का? अब तो यही लौट कर आना है। जी जी, ऐसा काहे कह रही हो? तुम तो सुख से अपने घर गृहस्थी संभालो। आएंगी, हम भी एक बार आएंगे, तुम्हारी ससुराल देख जाएंगी, तुम्हारी सास से मिलेंगे। तुम आओगी? तुम आओ मत आना। काहे? नहीं नहीं, तुम मत आना, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पांव पड़ते हैं, किसी को कुछ मत बताना। तुम्हें जो कुछ चाहिए हम देंगे। हार चाहिए? ये लो, ये रख लो। अरे जी, हम ये हार को क्या करेंगे? इसे रख लो, तुम्हें रुपए भी चाहिए? रुपए भी देंगे। ये रुपए रख लो। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हें और रुपए चाहिए? हम भेजेंगे, हम तुम्हें और रुपए भेजेंगे, लेकिन किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना मामी, किसी से कुछ मत कहना, किसी से मत कहना। अरे आ गई बहू। जीती रहो। अम्मा क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अम्मा। हाँ तो फिर थक गई होगी ना, चलो अंदर आराम करो। अच्छा तो हम जाएं? अम्मा ये वहाँ जीजी क्या काम करते हैं? अच्छा अच्छा, अरे भाई बैठो, खा पी के जाओ। जी हाँ, ये उठा ले। लाइए, मैं ले जाती हूँ। बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, जरा सा गंगा जल ले रहे थे, रसोई बनाने जा रहे थे ना। अरे पाक पकाई में तो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ गई, कितनी बार गंगा जल लेती हो बहू? यूं ही, मन को अच्छा लगता है अम्मा। बहू हाँ, सच सच बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या हुआ? जब देखो घबराई सी लेती हो, सच बताओ क्या बात है? माँ से कुछ मत छुपाओ, बोलो क्या तकलीफ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मा। अरे तुम्हें हाथ भी देखना आता, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। जरा हमारा भी हाथ देखो ना। हमें तो नहीं आता। तो फिर क्या देख रही थी? कुछ नहीं। ए, किसी चीज के दिन गिन रही थी क्या? आप तो बस जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। पीछे पड़े बिना कुछ हासिल भी तो नहीं होता। अरे क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं तो। ओ, लगता है शहजादा थक गई हो। चलो सो जाओ। अरे लेट जाओ ना। ध्यान रखना, बड़ा छूत का रोग है। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है, क्या होगा? इनसे कुछ बताएं तो मुश्किल है, और ना बताएं तो निभा कैसे होगा? क्या करें, क्या करें हम? बहू जी। हाँ? कोई बंसी आए हैं आपसे मिलने के लिए। बंसी? कहते हैं आपकी मामी के यहाँ से आए हैं। हाँ। नमस्ते चंदा रानी, कैसी हो? ठीक है,
तुम बताओ। हम तो मजे में, कल गांव में चाची और दीपा मिले थे, कह रहे थे बंसी तुम तो शहर जाते रहते हो ना, तो हमारी चंदा से मिलाना, कुछ हाल चाल दे आना, कुछ ले आना। हाँ जरा बैठो। तुम कहाँ चली? अभी आते हैं, जरा बैठो। ये लो मामी को दे देना। कहाँ है चिट्ठी? हाँ। क्या बात है चंदा रानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं रहती का? नहीं तो, हम बिल्कुल ठीक हैं। मामी से कह देना हमें उनकी बात याद है। हाँ जरूर कह देंगे, उसमें का, अच्छा हम चलते हैं। बड़ी देर कर दिया आज आपने। अरे हाँ जरा लाइब्रेरी चला गया था किताबें देखने, खाना लगाओ, बड़ी जोर से भूख लगी है। हाथ मुंह धो लीजिए, हम लगाते हैं। हाँ। आइए। तुम भी हमारे साथ खा लेती? हम अम्मा के साथ खाएंगे ना। अम्मा के साथ तो तुम रोज रोज खाती हो, कभी हमारे साथ भी खा लिया करो। आप खाइए, हम गरम गरम पराठे लेके आते हैं, अम्मा बना रही है। अरे पराठे तो यही काफी हैं। अच्छा कम से कम अपने हाथ से खिला तो दो। क्या हुआ? न जाने कैसे हाथ से फिसल गया, अभी पोछ देते हैं। चंदा हम अभी गरम गरम पराठे लेके आते हैं। आ गई बहू, बैठो जी। हाँ चलो। अरे ये क्या? अरे तीज त्योहार के दिन तो सारे गहने पहन लिए होते। हाँ सुहागन को सजदे की पूजा करना चाहिए, पति के मंगल के लिए ही तो पूजा है ना। हाँ और कम से कम आज के दिन वो बड़ा हार तो पहन लेती। वो बहुत भारी लगता अम्मा। ओहो ऐसा भी क्या भारी है कि जो पहनने के समय भी पहना न जाए? वो तो सुहाग की चीज है, वो तो पहननी चाहिए। चलो अब आंसू मत बहाओ, आचमन करो। अल्लो बंसी बाबू, अपना पान खा लो। शाबाश। दीपा दीपा सुनो तो, अरे मेरी बात तो सुनो दीपा। का है? का हाल चाल है? चंदा की कोई राजी खुशी की खबर आई, कोई चिट्ठी पत्री? नहीं तो। अच्छा है का? नहीं नहीं नहीं, हमने कहा अच्छा है तुम मिल गई। हमें तो इन दिनों फुर्सत नहीं रहती ना, सो तुम्हारे यहाँ आ ही नहीं पाए। चाची के लिए शहर से जर्दा लाए थे, चलो लेती जाओ। खुद ही दे जाना ना लाके। अरे अब तुम मिली गई हो तो लेती जाओ, तुम्हारे लिए भी तो शहर से सामान लाए हैं। चलो अरे आओ तो सही दीपा, तुम तो एक आओ आओ आओ। का लाए हो बताओ? अरे बताते हैं बताते हैं, बैठो तो सही, जल्दी का है या या। अरे वो शहर में ना, अरे 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 ये तो शायद हमने चंदा के गले में देखा था ना। देखे देखे, अरे देखे देखे तो सही, देख अच्छी कारीगरी। चंदा ये हार तुम्हें देगी का? हमें काहे को, अम्मा को देकर गई है, हम तो यूं ही चोरी से पहन कर निकली थी, जाकर रख देंगी। चंदा ये हार चाची को काहे देगी, कोई खास बात? वो हमें नहीं मालूम। मालूम नहीं तो मालूम चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो? हार दो, दो ना, अम्मा को मालूम पड़ेगा तो वो हमें जान से मार डालेंगे। अम्मा को कैसे मालूम पड़ेगा, तुम तो खुद ये चोरी से पहन के आई थी ना। बल्कि अगर उनको ये बात मालूम चली तो तुम्हारी खैर नहीं। देखो दीपा तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी जबान बंद रखना, समझी? जबान। ये तो बड़े काम की चीज मिल गई बंसी बाबू, अब देखते हैं चंदा रानी को।
अभी तक पढ़ रहा? सोनी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी इतनी देर तक इधर उधर घर में क्या करती रहती हो? घर में काम नहीं रहता का? क्यों, भोला और चंपा को छुट्टी दे दी है क्या? ये जानबूझकर तबीयत खराब करना चाहती है। तबीयत क्यों खराब होने लगी? और नहीं तो क्या, आओ इधर आओ, देखो जरा आईने में अपना चेहरा। सब लोग कहते हैं कि तुम बीमार बीमार सी लगती हो। बीमार 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 क्यों कहते हैं सब लोग? हम बीमार हो जाएंगे तो किसी को क्या मिल जाएगा? कैसी बातें करती हो चंदा, यहाँ को ये थोड़ी चाहता है कि तुम बीमार पड़ो। सब लोग इसीलिए तो तुम्हारी फिक्र करते हैं। देखो तुम्हारा चिड़चिड़ापन ही बताता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। अम्मा बता रही थी कि आजकल बात बात में तुम्हारे आंसू छलक आते हैं जब देखो जब तुम गुमसुम और उदास रहती हो। कल बता रही थी कि रात वो तीज पूजा के वक्त उन्होंने कुछ हार और गहनों के लिए तुमसे कहा और तुम... वो तो उन्होंने सबके सामने डांट दिया था इसलिए। देखो चंदा, जो लोग प्यार करते हैं उन्हें डांटने का अधिकार होता है कि नहीं? फिर आगे से ख्याल रखना, अगली बार सब पहन लेना। अब आओ, आप लेके हम आते हैं। अभी कुछ बाकी रह गया क्या? भल, अरे छोड़ो ना। क्या हुआ, दूर क्यों जा रही है? छोड़िए ना, माना कीजिए। ठीक है। चंदा, एक काम करें, कल तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाएं। नहीं नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमें कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है हम। तो फिर डॉक्टर के पास जाने से घबराती क्यों हो? एक बार चलो ना, देखो अगर कुछ होगा तो इलाज हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। नरेंद्र बेटा, बहू को कोई बीमारी तो है नहीं, मगर ऐसे लगता है मन में कोई परेशानी जरूर है। किस बात की? हमारे पूछने से वो कुछ नहीं बताती है, मगर कोई मानसिक तनाव जरूर है। तुम उसे प्यार से समझा बुझाकर जानने की कोशिश करो, वो भी दूर किया जा सकता है। हम लोग तो कितना पूछ चुके हैं। उसे अकेले मत छोड़ो, उसे खुश रखो, हंसते हंसाते रहो ताकि उसका ध्यान कहीं और न जाए। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां बच्चा आया उसका सारा ध्यान उस पर लग जाएगा। डॉक्टर चाचा, वो अधीर होने की कोई जरूरत नहीं, अभी बहुत वक्त है। आओ बहू, मैंने नरेंद्र से कह दिया है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कहीं ये तुम्हें क्या हुआ कहकर परेशान न किया करे। क्या हुआ? अरे डॉक्टर चाचा, अब ये मुझे क्या हुआ कहकर परेशान करेंगे क्या? अच्छा डॉक्टर चाचा, अच्छा नमस्ते। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो जी कहीं चलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो जी कहीं चलते हैं। कहाँ? तुम जहाँ कहो वहाँ, शहर से दूर निकलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो जी कहीं चलते हैं। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो जी कहीं चलते हैं। तुम्हें रोज घुमाया करूंगा, जो भी मांगोगी दिलाया करूंगा, मन को तुम्हारे बहलाया करूंगा, ज्यादा नहीं तुमको सताया करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो जी कुछ खाते हैं। क्या खाएंगे? अरे भाई खट्टा मीठा, मीठा खट्टा, खट्टा मीठा तुम्हें खिलाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो जी कुछ खाते हैं। ला 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 ला
बहुत खुश हूँ, खिलौने लेके आते हैं, कल के सपने सजाते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, खिलौने लेके आए हैं। चंदा ये क्या, खुश होते होते तुम फिर गुमसुम हो गई? नहीं तो, हम तो ये सोचने लगे कि ये सब जो आप अभी कह रहे थे वो क्यों, डॉक्टर चाचा ने तुम्हें नहीं बताया क्या? क्या उन्होंने तो बस इतना ही कहा ना कि हमें कोई बीमारी नहीं है, और ये बात तो हम आपसे पहले भी कहते थे। उन्होंने तो हमसे ये भी कहा कि कुछ होने वाला भी है, क्यों जानकर अनजान बन रही हो, बच्चा होने वाला है ना हमारे यहाँ। अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है, तुम्हें तो इस सुनकर खुश होना चाहिए जैसे हम हुए, बल्कि हमसे भी ज्यादा। और तुम हो कि हम भी तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल नहीं, तुम परेशान लगती हो, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट है। बड़ी अजीब सी बात है चंदा, हम तुम्हें जितना खुश रखने की कोशिश करते हैं तुम उतना ही उदास रहती हो। देखो हमसे तो कुछ नहीं छिपाना चाहिए ना, ये लो फिर आगे चला कहीं तुम्हारी। नहीं तो ये तो ऐसे ही खुशी पाकर। अरे तो खुशी में तो हंसना चाहिए, रोना थोड़े ही, हंसो। देखो हंस दो वरना हम जबरदस्ती हंसाएंगे तुमको। हंस तो रही हूँ। अरे चंदा, ए चंदा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो घर चलो, हाँ हाँ चलो चलो। बड़ी अजीब बात है, ये क्या हो गया ऐसे, ऐसी क्या परेशानी है, वो कौन सा मानसिक तनाव है जिसके कारण ही मन ही मन घुटते रहते हैं, समझ में नहीं आता कैसे पूछें कैसे पता करें, और बिना मालूम के तो वैसे चंदा एक बात समझ में नहीं आई, मायके वालों को बेटी से कुछ लेना तो नहीं चाहिए, तो फिर चाची ये क्या मतलब, ये लो मामी को दे देना और कह देना कि आइंदा तुम्हें ही आना भेजें, हो सकता है हम खुद ही आके उनसे मिल लें। ठीक है कह देंगे। नमस्कार बाबू साहेब। तुम यहाँ कैसे? अरे जरा चंदा से मिलने आए रहे। किस लिए? ले बाबू साहेब, इतनी पुरानी जान पहचान ठहरी, मिलने भी नहीं आ सकते का? तुम चंदा को कितना जानते हो, हमसे ज्यादा? सच्ची पूछो ना बाबू साहेब, अगर तुम बीच में ना टपके होते ना तो चंदा आज बीवी होती हमारी। खैर बड़ी खुशी है हमें इस बात की कि हमारी चंदा खुश है, जब भी आते हैं बड़ी खातिर करती है हमारी। तुम्हारा मतलब ये रुपए तुम्हें चंदा ने दिए हैं? जी हाँ अब भी तो दिए, आखिर पुरानी मेल मुलाकात का भी तो कोई मोल होता है। झूठ बोलते हो तुम, आओ हमारे साथ, हम अभी चंदा से जाकर पूछते हैं, और अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो। झूठ कैसे निकलेगी, आप खुद ही जाके पूछ लीजिए ना, बस सिर्फ एक ही बात पूछिएगा कि चंदा ने अपने गले का हार किसको दिया है और क्यों दिया है। जय राम जी की। चंदा जी, तुम्हारे गांव का वो आदमी आया था तुम्हारे पास? कौन, बंसी? नाम हमें नहीं मालूम, क्यों आया था? यूं ही मिलने आया था। तुमने उसे रुपए दिए? रुपए? हाँ, मामी के लिए कुछ रुपए भिजवाए हैं। लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहा था। क्या कह रहा था? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम एक बात बताओ। क्या? वो हार कहाँ है? हार? हाँ वही जिसके लिए तुम कहती हो भारी लगता है इसलिए नहीं पहनती। क्या हुआ है जो तुम? कुछ नहीं अम्मा, हम इनसे एक बात पूछ रहे हैं। अरे तू धीरे से पूछो ना, वैसे ही वो बिचारी। अरे काहे के बिचारी अम्मा, कोई बिचारी बिचारी नहीं, सब नाटक है। बात कुछ और है, बताती क्यों नहीं कि वो हार कहाँ है? हार मामी के पास है। क्यों, किस लिए? बहू अम्मा हम आपको सब कुछ बता देंगे। हम पूछ रहे हैं ना, हमें बताओ, और ये बात अब तक क्यों छुपा रखी थी, और हम ये कैसे मान लें कि हार मामी के पास है? हमारा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करें, किसका विश्वास करें?
हम सच कह रहे हैं। हम कैसे मान लें? तुम ऐसा करो, अभी गांव जाओ मामी के पास और वो हार लाकर दिखाओ। अरे तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। बहू ऐसे अकेले कैसे जा सकती है? तू क्यों नहीं चला जाता उसके हम साथ? हम नहीं जाएंगे अम्मा, ये जाएंगे। और अगर ये हार वापस लेकर नहीं आएंगी तो हम इनका मुंह भी नहीं देखेंगे। अरे ये समझ ले कि हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। गुस्से में तू ये सब क्या कहे जा रहा है बेटा? बहू ससुराल की इज्जत होती है, उसे ऐसे घर से निकाला नहीं जाता। लेकिन जिस बहू को ससुराल की इज्जत का ख्याल न हो उसे वहां रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। सुनो, हम तुम्हारे बाबूजी को बुलवाते हैं, भोला उनसे बात कर लो फिर। अम्मा ना हमें किसी से बात करनी है ना सुननी है। अगर ये अकेली नहीं जा सकती, इनके साथ भोला को भेज दो, हार लेकर आए। बहू हमें जाने दीजिए अम्मा, हम हार लेके ही आएंगे। हाँ जाओ। तेरे चेहरे पर कहीं दाग नहीं, किसने तुझे चंदा नाम दिया, तेरे चेहरे पर कहीं दाग नहीं, जो तेरी तरह से रोशन हो यहाँ ऐसा कोई चरा। मामी मामी मामी! अरे चंदा तुम कैसे आई हो? मामी वो हार जो हम तुम्हें दे गए थे ना, वो हमें वापस कर दो। काहे? उस हार के बिना हमारा संसार उजड़ जा रहा है मामी, हम इस मुसीबत से बचा लो। लो तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने जबरदस्ती तुमसे वो हार छीन लिया। तुम खुद ही तो हमको देकर गई थी। हाँ, कि हम तुम्हारी माँ के बारे में किसी को बताएं? हाँ मगर। मगर क्या, तुम तो और रुपए भेजने के लिए भी कह के गई थी। रुपए तो हमने भिजवाए थे। किसके हाथ? बंसी ने तुम्हें रुपए नहीं दिए लाकर? बंसी? हाँ बंसी ने तो हमें कभी कोई रुपए लाकर नहीं दिए, और ना ही कभी ये बताया कि वो तुम्हारे घर गया था। सिर्फ क्या ही नहीं था, हमारी खुशियों में आग भी लगाया है। मैं जाने क्या क्या है इनसे, उनको विश्वास ही नहीं होता कि हार तुम्हारे पास है। वो हार हमें दे दो मामी, नहीं तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। मामा क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रही हूँ। अरे कुछ भी नहीं, पिछली बार जब ये आई थी तो हमारे पास एक हार छोड़ के गई थी, वही लेने आई है। तो फिर देख क्या रही हो, दे दो ना हार उसका। अरे भाभी तुम अचानक आ गई बिना खबर दिए हुए, क्या बात है? अरे दीपा वो हार कहाँ है? हमें कहाँ मालूम। अरे तो कहाँ गया? ऐसा मत कहो मामी, वो हार हमें दे दो वरना हम घर वापस कैसे जाएंगे। अरे हार गया कहाँ, ठीक से देखो। लेकिन बेटी तुमने इसे हार दिया क्यों था, बात क्या है, कुछ हमको भी तो बताओ। मामा मामी ने कहा था हमारी माँ को कोर था। कोर? और हमें भी हो जाएगा इसीलिए। जगदम्बा हमारी घबराहट के वो हार हमने इनको दे दिया था कि ये किसी से कुछ ना बताएं। हमने बंसी के हाथ रुपए भी भिजवाए थे, पर वो ना जाने इनके मन में क्या शक डाला है। वो समझते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम हार लेकर वापस नहीं गए तो हमारा मुंह तक नहीं देखेंगे। जगदम्बा ये चंदा क्या कह रही है, तुम इतनी गंदी हरकत कर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। छुट्टे बाहर तलाश करो। हार तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं। पता तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये नाटक तुम्हारा ज्यादा देर नहीं चलेगा। चंदा की जिंदगी बर्बाद हो उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? छुट्टे बाहर तलाश करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब हमारा क्या होगा मामा? बेटी तू धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम चलेंगे नरेंद्र के पास उसे समझाएंगे। नहीं नहीं तुम नहीं जाना मामा, वो कुछ मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अम्मा की बात उन्होंने सुनी नहीं, बाबूजी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे। हम नहीं चाहते तुम्हारा अपमान। बेटी मेरी बात तो सुन। अरे ये तो बेहोश हो गई, ये तो बेहोश हो गई, कोई पानी लाओ। चंदा अगर वैसी लड़की होती भैया तो हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाते, ये बात तुम कैसे भूल गए? वो बंसी तो है ही बदमाश, शुरू से चंदा के पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर चंदा उसे मिली क्यों, उसे रुपए क्यों दिए? रुपए तो उसने मामी के लिए दिए थे। ऐसी क्या बात है जिसके लिए बहू ने मामी को हार भी दे दिया रुपए भी भेजे? चंदा का सुख उनकी आंखों में खटक गया था, उनके मन में एक लालच समा गया था, और उन्होंने चंदा के मन में एक डर पैदा कर दिया कि उसकी माँ को कोढ़ था जो उसे भी हो सकता है और उसकी संतान को भी। चंदा की माँ को कोढ़ था तो क्या इसीलिए वो? लेकिन लेकिन चंदा की माँ को कोढ़ तो था ही नहीं,
उन्होंने ये कैसे कह दिया? पता नहीं, तुमको कुछ मालूम है क्या इसके बारे में? हाँ, राम साहेब जी ने शादी तय करने से पहले हमें सब कुछ बता दिया था, और उन्हें झूठ ही बोलना था तो बताते क्यों? क्या बताया था? पहले राम साहेब किसी दूसरे गांव में पढ़ाते थे, उस गांव में एक ब्राह्मण लड़की थी, नाम था शायद देवकी, बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसी गांव में बंसी जैसे एक लंपट ने देवकी को अपने जाल में फांस लिया और उसे लेकर भाग गया। लगभग 2 साल के बाद उसने चिट्ठी भेजकर राम साहेब जी को गांव के बाहर वाले मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। देवकी भैया, क्यों, क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया है? मुसीबत में तुम्हारी याद आई। क्यों, वो कहाँ है मनोहर, जिसके साथ तुम माँ बाप की इज्जत, समाज की मान मर्यादा ठुकरा कर चली गई थी, अब क्या हुआ? तुम्हें कैसे बताएं भैया, बस इस नर्क से अभी तुम ही छुटकारा दिला सकते हो। तुम वापस चली जाओ देवकी, गांव वाले तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना दुभर कर देंगे। जीना तो अब हम भी नहीं चाहते भैया, मेरी बच्ची को अपने शरण में ले लो बस। क्या, बच्चे को अपनी शरण में ले लूं? नहीं नहीं देवकी, ये कैसे हो सकता है? क्यों भैया, तुमने तो हमेशा हमें अपनी बहन की तरह समझा है ना, अपनी बहन की बच्ची को नहीं पाल सकते? एक दफा इसकी तरफ देखो, हम पापी ने, हमने पाप किया है, मगर ये तो निष्पाप है, इसकी रगों में तो इसके बाप के अच्छे कुल का खून है भैया, तुम इसे रख लो, हम निश्चिंत होके मर सकेंगे भैया। मरने की बात छोड़ो, चलो मेरे साथ, पहले हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, उसके बाद तो रास्ते निकालेंगे। अपना इलाज तो मैं साथ लेके आई हूँ। देवकी, ये तुमने क्या किया? भैया, देवकी, मुझे वो चंदू, चंदू देवकी संभालोगे भैया? वही बच्ची चंदा है, राम साहेब जी ने ये बात कभी भी अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, और किसी अनजान शक की वजह से शायद वो भी इस बच्ची को प्यार नहीं दे सकी। कैसी कठोर औरत है वो, जो एक अनाथ और भोली लड़की को सताने से नहीं चुकी, थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकी, दया नहीं आई उसे। निर्मला चलो, हार वापस मिले ना मिले, हम चंदा को वापस ले आएंगे, न जाने क्या बीत रही होगी बेचारी के मन पर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अरे तुम, तुम्हारे लिए ही बैठी थी। हमारे लिए काहे? तुम नरेंद्र जीजा से का कहकर आए हो? तुम्हें कैसे मालूम? चंदा आई है, उसका वो हार वापस दे दो बंसी, नहीं तो वो ससुराल नहीं जा सकेगी। अच्छा, तो हमारे यहाँ आ जाए, उसमें का है? उसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें का मिलेगा, हार वापस दे दो बंसी। ठीक है, दे देंगे, हार के बदले में हमें का मिलेगा, खोई हुई चीज का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तुम एक काम करो दीपा, तुम चंदा को यहाँ भेज दो, हम खुद ही उससे बात कर लेंगे। चंदा को नहीं मालूम बंसी कि हार तुम्हारे पास है। तो बता दो जाकर। नहीं, हार तुमने हमसे लिया था, हमें ही वापस दो। तो हमारा इनाम कौन देगा? का इनाम चाहिए? हम दे देंगे। तुम? ठीक है, इस पर भी समझौता किया जा सकता है। मगर देखे तो सही, इनाम देने लायक का है तुम्हारे पास? नहीं बंसी, नहीं, नहीं, ये तो दीपा की आवाज है। बंसी, बहुत कमी है। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? नहीं बाबूजी, इस आदमी ने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है उसके लिए मैं से कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं नहीं, कानून हाथ में मत लेना, इसके किए की सजा हम दिलवाएंगे। तुम इसे छोड़ दो भैया, इसको तो मैं, ले जाओ, इसे पुलिस चौकी ले जाके बंद करवा दो,
और दरोगा जी से कहना कि हम अभी आते हैं। चंदा का हार इसके पास है, वो ले लेना। हार निकाल, अबे हार निकाल। देता देता है कि नहीं? देता दे देता। चंदा दीदी, चंदा दीदी, जीजे जी और तुम्हारे ससुर आ रहे हैं। राम साय जी। अरे समझे जी, बेटा नरेंद्र, हम तो आप ही क्या आ रहे थे जी। वो बापू। बेटा देखा क्या हुआ जी? आप इसे घर ले चलिए, हम सब बताते हैं, चलिए। जगदम्बा। अम्मा। अरे दीपा, दीपा ये तेरा क्या हाल हुआ बेटी? अरे हाल तो उसका और भी बुरा हुआ होता अगर इन लोगों ने वक्त पे पहुंच कर इसे बंसी से इन्हें बचा लिया होता। बंसी, तू क्या करने गई थी वहाँ पर? चंदा का हार लेने गई थी, उसे कभी छीन लिया था इससे। क्या? हाँ, ये सब तुम्हारी करने का नतीजा है। पराई का बुरा करने गई थी ना, अब देख लो अपनी का क्या हो गया। आखिर पराई काम आए ना, अगर ये लोग न पहुँचे होते तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। राम सहाय जी, अब रहने भी दीजिए। निर्मला बेटी, देखो जरा बहू को तो बुला, उससे कहो नरेन उससे लेने आया है। जी। भाभी, भाभी, ओ भाभी, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ गई? अभी तो थी, हमने उन्हें बताया भी था कि जीजा जी आ रहे हैं। अरे हम उसे अभी ढूंढ कर लाते हैं, ये लीजिए। चल रही है, पानी तो नहीं गया अंदर? नहीं, ज्यादा नहीं गया होगा, मैंने गिरती देख लिया था, शायद गिरने के साथ ही बेहोश हो गई। चंदा, 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 मामी, मामी इनको बता दो कि वो हार हमने तुम्हीं को दिया था। हमें कोड हो जाए हमें मंजूर है, लेकिन ये हम पे शक करे। चंदा, हमें सारी बात मालूम है, तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हें कोड हो जाएगा। लेकिन हमारी माँ को तो नहीं? न ये बीमारी तुम्हारी माँ को थी और न तुम्हें लगेगी। लेकिन मम्मी ने जो कहा था। अरे अब तो बोल जो कहा था, झूठ कहा था? नौबत यहाँ तक कहाँ पहुंची और तुम पर कोई असर नहीं हुआ? बिटिया, ये सच कह रहे हैं, हम तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानते। वो नास पीटे बंसी ने हमारे मन में कुबुद्धि पैदा कर दी थी। अरे कोई तुमसे कहे कुएं में कूद पड़ो तो तुम कुएं में कूद जाओगी, अभी तरफ से ये नहीं सोचोगी क्या सही है क्या गलत। बिटिया, हम तुम्हारी गुनाहगार हैं, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। हमने अपने किए का नतीजा देख लिया, अब हमें और शराब न देना। ऐसा मत कहो मामी, हम तो हमेशा से तुम्हारा एहसान मानते आए हैं कि तुमने हमारे जैसी अनाथ लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। चलो बेटा, चलो बहू को लेके चलो।
गीले कपड़ों से तबीयत नहीं बिगड़ जाए। चलो जी, चलिए आओ चंदा। चंदा, हमें अफसोस है कि हमने अनजाने में तुम पर शक किया। गलती हमारी थी, ना हम कुछ छुपाते और ना ही आज। छुपाना तो तुम्हें वाकई नहीं चाहिए था। पति पत्नी के प्यार का नाता तो मन के मेल का नाता होता है। आप हमें माफ कर दीजिए। ए पगली, प्यार में माफी नहीं मांगा करते, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। शुक्र है कि भगवान ने हमें माफ कर दिया, हमें तुम्हारी जिंदगी वापस दे दी।